राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख का आरक्षण को लेकर बयान फिर चर्चा में है। नागपुर में शुक्रवार को एक किताब के विमोचन के दौर पर संघ चालक मोहन भागवत ने जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की अपील की है। भागवत ने कहा कि समाज का हित चाहने वाले हर व्यक्ति को यह कहना चाहिए कि वह वर्ण और जाति व्यवस्था पुरानी सोच थी जिसे अब भूल जाना चाहिए। इससे पहले दशहरे पर उन्होंने रोजगार के लिए नौकरियों की तरफ ना देखने की सलाह दी थी। भागवत ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी कोई भी चीज जो भेदभाव पैदा कर रही हो उसे पूरी तरह से खारिज कर देनी चाहिए। भारत हो या फिर कोई और देश, पिछली पीढ़ी ने गलतियां जरूर की है, हमें उन गलतियों को स्वीकार करने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे पूर्वज ने गलती की है तो ये बात मान ले पर उनका महत्व कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है क्योंकि हर किसी के पूर्वज ने गलतियां की है। आरएसएस चीफ के इस बयान को देश में आरक्षण की समीक्षा से जोड़ा जा रहा है क्योंकि देश में आरक्षण का सिस्टम जाति पर ही आधारित है। ऐसे में जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात कहना आरक्षण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने जैसा ही है। इस तरह के बयान जब भी सामने आए विपक्ष ने उनका कड़ा विरोध किया। दशहरे पर भागवत ने कहा था कि नौकरियां पर निर्भरता ठीक नहीं है, तब लालू ने उन पर वोट के लिए नौकरी का वादा करने का आरोप लगाया था। दशहरे पर भागवत ने कहा था कि नौकरियां पर निर्भरता ठीक नहीं है, तब लालू ने उन पर वोट के लिए नौकरी का वादा करने का आरोप लगाया था। दशहरा पर नागपुर के कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा था, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में आर्थिक तथा विकास नीति रोजगार उन्मुख है, यह अपेक्षा स्वाभाविक ही कही जाएगी, लेकिन रोजगार यानी केवल नौकरी नहीं, यह समझदारी समाज में भी बढ़ानी पड़ेगी। कोई काम प्रतिष्ठा में छोटा या हल्का नहीं है, परीक्षा पूंजी तथा बौद्धिक श्रम सभी का महत्व सम्मान है। उद्यमिता की ओर जाने वाले प्रवृत्तियां को प्रोत्साहन देना चाहिए, स्टार्टअप इसमें अहम भूमिका निभा रहा है, इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। संघ प्रमुख के इस बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा कि आरएसएस की ठग विधा के प्रशिक्षित एवं संघ की महाझूठी महाकपटी पाठशाला से निकले जुमले बाद विद्यार्थी की सालाना 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने का वादा कर वोट बटोरते हैं। जब आरएसएस बीजेपी अपनी ही बेफिजूल की बातों के फंसती है तो नफरत फैलाने वाले सज्जन बिन मांगा ज्ञान बांटने चले जाते हैं। भगवान ने नागपुर में दशहरा समारोह की वुमन पॉपुलेशन एजुकेशन पर 1 घंटा तक स्पीच दी थी। उन्होंने कहा कि एक व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है जो सभी पर बराबरी से लागू होती है। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या असंतुलन पर हमें नजर रखनी होगी। मोहन भागवत ने 3 महीने पहले कर्नाटक श्री सत्य समाई यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान भागवत ने कहा कि जनसंख्या बढ़ाने और खाने का काम तो जानवर भी करते हैं, ये जंगल में सबसे ताकतवर रहने के लिए जरूरी है। ताकतवर की जिंदा ही रहेगा, ये जंगल का कानून है, इंसानों में ऐसा नहीं है। इंसानों में जब ताकतवर दूसरों की रक्षा करता है तो ही इंसानियत की निशानी है। वर्ण जाति यांची काय उपयुक्तता होती आणि त्याच्यात पहिल्यांदा विषमता नव्हती वगैरे वगैरे हे सगळं ठीक आहे, पण आज जर कोणी विचारलं की वर्ण आणि जातींबद्दल काय, तर समाजाचा विचार करणाऱ्या प्रत्येकाला हेच उत्तर द्यावं लागेल आणि हेच उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे, तरच तो समाजाच्या हिताचा विचार करतो की तो एक भूतकाळ आहे तो विसरून जा। एव्हरीथिंग दॅट कॉजेस डिस्क्रिमिनेशन should go out lock, stock and barrel.